क्या वाकई कोई अगर अपकमिंग होता है, कोई नया होता है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, और बड़ा स्टार बन जाता है तो बोलता है, और ऐसे में बड़े बड़े स्टार चुप क्यों बैठे? संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर मनोज जी के पास आ रहा हूं। नहीं, आप देखिए यहां पर अभी जो डिबेट चल रहा है इसमें दो बातें इतनी आपत्तिजनक है। पहली बात है, यहां कहा गया कंगना जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है और उनकी शादी करा दीजिए तब वो ठीक हो जाएंगी। इनकी हिम्मत है ये कह देंगे करण जौहर की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, सलमान खान की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, राहुल गांधी की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे। और यह आप चुपचाप बैठिए जरा, ये हिलना डुलना बंद करिए। नहीं नहीं रोहित जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इनका हिलना डुलना बंद करिए जरा, इनका हिलना डुलना बंद करिए। नहीं नहीं रोहित जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और ये इनके बीच में कोई भी बोलता है तो ये चिल्लाते हैं, बोलते हैं मैं हिल जाता हूँ, ये दूसरों के बीच में बोलते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ इनको। अरे नासिर साहब प्लीज, नासिर जी आई वॉज नॉट स्पीकिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग। रोहित, मैं बिल्कुल इस प्रकार की डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता कि चिल्लाना पड़े मुझे, मैं इनके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मुझे शांति से बोलनी दिया जाए। काम की बात कीजिए ना, लोग आके यहाँ चिल्ला रहे हैं, सुन रहे हैं। आप हिलना बंद करो, पहले बंद करो, हिलना बंद करो। नासिर अब सुन लीजिए, नासिर अब सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए, अच्छा लगता है, सुनाई भी देता है, समझ भी आता है सबको। केवल ऐसे करते रहने से थोड़ी समझ पाता है, बोलिए। नहीं रोहित जी, ये एक नेशनल टेलीविजन में करोड़ों लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं देख रही हैं। आपने कहा कि उस महिला को अगर कंट्रोल में लाना है तो इसकी शादी करा दो, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये पूरी और यहाँ पर बैठी हुई है फिल्म इंडस्ट्री से कुछ दो महिलाएं बैठी हुई हैं, एक महिला हमारी हमारी बड़ी बहन मालिनी जी ने जिस प्रकार से विषय को रखा बिल्कुल ग्रहणीय है, मगर दूसरी महिला बार बार हंसी जा रही है। आप बताइए ये पैट्रियार्की है, इनको पैट्रियार्की का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं पता। ये आप बताइए पैट्रियार्की, स्मैश पैट्रियार्की, स्मैश पैट्रियार्की करने वाले कह रहे कंगना की शादी करा दो वो ठीक हो जाएगी। ये मर्द ये राहुल गांधी के लिए नहीं कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी ने सोचने की शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर इन्होंने यहां पर एक मिनट सुनो। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मां पद्मावती कौन है, किसी की मां है क्या है? सुन लो कान खोल के, मां पद्मावती मेरी और करोड़ों लोगों की मां है, और आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मां पद्मावती के लिए इस प्रकार के। यहाँ पर अभी आप कान पकड़ के माफ, तोते की कहानी है, कान पकड़ के माफी। मैं यहाँ पर राजपूत समाज की ओर से डिमांड करता हूँ आज तक पे कि मां पद्मावत के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ना केवल राजपूत समाज के लिए अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए घोर अपमान का विषय है। मां पद्मावती को ये कहना, आप अभी माफी मांगोगे हाथ जोड़कर, अभी माफी मांगो, ये कहना कि मां पद्मावती तोते की कहानी है, वो माँ है क्या है? अगर आपके धर्म के लिए मैं ऐसे कह दूं तो अभी, अरे आपके धर्म के लिए ऐसे कह दूं तो फतवा जारी करवा के अभी मारने आ जाओगे? आपकी इतनी हिम्मत होती है? ओके, माँ पद्मावती पात्रा जी, नहीं नहीं संबित पात्रा जी, वो चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। संबित जी, मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड पर बहस ना हो, इस बात को संबित पात्रा यही चाहते हैं कि बॉलीवुड पर बहस ना होने पाए, राजपूत समाज वो चाहते हैं कि इस पर बहस ना होने पाए। तोते की कहानी कह के, तोते ने कहानी सुनाई। अच्छा एक सेकंड, नासिर अब्दुल्ला, नासिर अब्दुल्ला, और यहाँ पर अब्दुल्ला जिनको आप अभी बता रहे थे, मां पद्मावती का अपमान होने नहीं दूंगा। संबित पात्रा, नासिर अब्दुल्ला अभी जिनको बता रहे थे कि मुंबई के लिए माफी मांगनी पड़ती है, बम्बई कह दो तो जूते मार के दौड़ाते हैं, उन्हीं के सहारे पर आज ये लोग खड़े हुए हैं। मैं माफी मांगता हूँ, चलिए आपने माफी मांगी।